खबर हिमाचल प्रदेश से बता रहे हैं, जहां कांग्रेस में सीएम पद की दौड़ में कई नाम शामिल हैं। आपको बता दें कि शिमला में कांग्रेस से विधायक दल की बैठक शुरू हो गई है। शिमला के ओबेरॉय होटल में बैठक चल रही है, तो होटल के बाहर प्रतिभा सिंह के समर्थकों का हंगामा भी देखने को मिला है। तो प्रतिभा सिंह को सीएम बनाने की मांग समर्थक कर रहे हैं। शाम तक सीएम चेहरे का ऐलान हो सकता है, सीएम चेहरे का नाम सामने आ सकता है। तो आपको बता दें कि चुनाव ऑब्जर्वर भूपेंद्र हुड्डा और भूपेश बघेल भी मौजूद है। हिमाचल कांग्रेस प्रभारी राजीव शुक्ला भी मौजूद है। तो प्रतिभा सिंह समेत 5 लोग सीएम पद की रेस में आगे चल रहे हैं। तो बड़ी खबर आपको हिमाचल प्रदेश से बता रहे हैं, जहां हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की जीत के बाद अब कांग्रेस में सीएम के चेहरे के नाम को लेकर मंथन का दौर शुरू हो गया है। शिमला में कांग्रेस विधायक दल की बैठक शुरू हो गई है। शिमला के ओबेरॉय होटल में ये बैठक चल रही है। तो बड़ी खबर आपको हिमाचल प्रदेश से बता रहे हैं, जहां हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की जीत के बाद अब कांग्रेस में सीएम के चेहरे को लेकर मंथनों का दौर शुरू हो गया है। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं बैठक की, और इस बैठक में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, चुनाव ऑब्जर्वर भूपेंद्र हुड्डा और हिमाचल कांग्रेस प्रभारी राजीव शुक्ला भी मौजूद हैं। तो ऐसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी मनीष जुड़ चुके हैं। मनीष, अगर बात करें तो जिस तरह से हिमाचल प्रदेश के चुनाव नतीजे आए और कांग्रेस की जीत हुई, उसके बाद कांग्रेस में सीएम पद के चेहरे के लिए मंथन का दौर शुरू हो गया, क्या कुछ अधिक जानकारी? जी बिल्कुल उदय, यहाँ पर देखें कि शिमला में फिलहाल कांग्रेस की जो बैठक है वो जारी है। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस ने बढ़िया बढ़त बनाई और 40 सीटों पर जीत भी दर्ज की है, लेकिन जिस प्रकार से वहां पर सीएम पद को लेकर जो नाटक देखने को मिल रहा है उसमें बड़ा ट्विस्ट सामने आया। पहला ट्विस्ट तो यह आया कि जो सुखविंदर सिंह सुक्खू वो सीएम पद के नाम के जो रेस है उसमें चल रहे हैं आगे, लेकिन वो 18 विधायकों के साथ में वो शिमला में जहां बैठक चल रही है वो वहां पर मौजूद ही नहीं हुई है। हिमाचल में सीएम की कुर्सी को लेकर अब घमासान भी शुरू हो गया है और 6 नेता अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। और इसी बीच में नाटकीय मुहूर्त तब आया जब हिमाचल प्रदेश के जो प्रभारी है राजीव शुक्ला जी, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी और हरियाणा के जो पूर्व सीएम रह चुके हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा, वो सरकार बनाने का दावा पेश करने राजभवन गए और राज्यपाल से मिले। उन्होंने राज्यपाल को वो पत्र दिया और उन्होंने दावा पेश किया सरकार बनाने का, लेकिन बड़ी बात उसमें ये रही कि राज्य का एक भी नेता उसमें शामिल नहीं हुआ है। तो ये एक देखना होगा कि किस प्रकार से यहाँ पर फूट देखने को मिलेगी। अगर राजस्थान जैसा माहौल हिमाचल प्रदेश में रहता है तो कहीं ना कहीं कांग्रेस की फूट का डर भी रहेगा। उदय, मनीष अगर बात करें तो बैठक के समय हमने ये भी देखा कि होटल के बाहर प्रतिभा सिंह के समर्थकों ने जमकर हंगामा किया है। ऐसे में प्रतिभा सिंह के अलावा और कौन से ऐसे चेहरे हैं और कौन से ऐसे नाम हैं जो सीएम पद के रेस में आगे चल रहे हैं? प्रतिभा सिंह और सुखविंदर सुक्खू का नाम तो आगे चल ही रहा है, इसके अलावा 3 नेता और है। अगर पेंच फंसा तो उनका नाम भी सामने निकलकर सामने आ रहा है। राजेंद्र राणा है, धनीराम शांडिल्य है और चंद्र कुमार है, ये 3 नाम और है। उनके अलावा अगर सरकार बनाने में या फिर सीएम पद में कोई पेंच फंसता है तो ये एक स्टिकनी के तौर पर ये नेता सीएम के चेहरे के तौर पर भी देखे जा रहे हैं। लेकिन अगर हम 2 बड़े चेहरों की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में सीएम पद के लिए 2 बड़े नाम है, एक प्रतिभा सिंह है और दूसरे हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू। अच्छा, प्रतिभा सिंह जो है वो पूर्व सीएम रह चुके हैं, वीरभद्र सिंह उनकी पत्नी है। वीरभद्र सिंह हिमाचल प्रदेश में 6 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं, 1983 में लेकर 85 तक सीएम रहे, 1985 लेकर 90 तक सीएम रहे, उसके बाद में 93 से लेकर 98 तक तीसरी बार सीएम रहे। 98 में जब वो चौथी बार सीएम बने तो कुछ दिन के लिए सीएम बने, लेकिन 2003 से लेकर 2007 तक 5वीं बार रहे और 2012 से लेकर 17 तक वो सीएम रहे, ऐसे कि वो 6 बार वहां पर सीएम रह चुके हैं। और उनकी जो पत्नी है प्रतिभा सिंह वो अब दावेदारी पेश कर रही है। हालांकि कुछ देर बाद उनका एक बयान भी सामने आया, उनने कहा कि वीरभद्र के नाम पर हिमाचल में वोट मांगा गया, तो कहीं ना कहीं वो अपनी दावेदारी को और भी बढ़ाने की कोशिश कर रही है। मनीष अगर बात करें तो इस बैठक में हम देख रहे हैं कि छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल भी मौजूद हैं, भूपेंद्र हुड्डा भी मौजूद हैं, हिमाचल के प्रभारी राजीव शुक्ला भी मौजूद हैं। ऐसे में अगर बात करें तो क्या कांग्रेस सीएम चेहरे के लिए जातीय समीकरण बिठाने की कोशिश करेगी क्या? जाएगा जातीय समीकरण बैठाने के लिए जो कैबिनेट की जो एक बकायदा एक लिस्ट तैयार कर ली है कांग्रेस ने, वो लिस्ट आलाकमान को भेजी जाएगी। लेकिन अभी
शिमला के एक होटल है उसमें, निजी होटल में ये बैठक चल रही है। ये माना जा रहा है कि वहां पर एक एक विधायकों से राय ली जा रही है। सभी विधायकों से राय ले जाने के बाद में आला कमान को ये राय भेजी जाएगी और कैबिनेट का विस्तार कैसे होगा, मंत्री कौन कौन रहेगा, इसको लेकर भी पूरी सूची बकायदा कांग्रेस ने तैयार कर ली है। लेकिन जातीय समीकरण की अगर हम बात करें तो जातीय समीकरण जो कैबिनेट का गठन होगा उसमें जरूर देखने को मिलेगा। सीएम पद के लिए सिर्फ दो नाम रहेंगे, उनमें जातीय समीकरण नहीं रहेगा। कैबिनेट का जब गठन होगा, मंत्रियों के नाम के जब खुलासे होंगे कि कौन कौन मंत्री रहेगा, कौन कौन सा विभाग रहेगा, तो उसमें जातीय समीकरण बैठाने की कांग्रेस पूरी कोशिश करेगी। क्योंकि नामों का मंथन तो चल रहा है, नामों की फहरिस्त भी कांग्रेस ने बना ली है, लेकिन विधायकों से रायशुमारी की जा रही है। रायशुमारी करने के बाद आला कमान को ये पूरी रिपोर्ट भेजी जाएगी, उसके बाद में सीएम कौन होगा इसका ऐलान आधिकारिक तौर पर कांग्रेस करेगी। मनीष, धन्यवाद आपको इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए। तो बड़ी खबर आपको हिमाचल प्रदेश से बता रहे हैं, जहां राज्यपाल से मिले हैं कांग्रेस के केंद्रीय पर्यवेक्षक प्रतिभा सिंह के सपोर्ट में। अब जो समर्थक हैं उन्होंने प्रदर्शन तेज कर दिया है।